हेलो दोस्तों, तो हमारा पहला चैप्टर क्या है? शीत युद्ध का दौर, इंग्लिश में द कोल्ड वॉर एरा। इसमें क्या होता है, देखो हमें पहले कोल्ड वॉर एरा समझने से पहले इसका बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। बिना बैकग्राउंड के इसको हम अगर सही समझने चलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं, ठीक है? कहाँ से? स्टार्ट से। जब ये कोल्ड वॉर एरा एक्चुअली जहाँ से शुरू होता है, इसकी ओरिजिन से, ठीक है? तो पहले हमें ये पता होना चाहिए, देखो अभी तक हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं, ठीक है? तो अभी हम पहले वर्ल्ड वॉर पर चलते हैं। पहले यह पहला वर्ल्ड वॉर किसके किसके बीच में हुआ था? यह हुआ था दो गुटों के बीच। कौन से गुट थे? देखो वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, जैसे कि सारे जो कंट्रीज होती है वो एक तरफ, और कुछ कंट्री मतलब आधे कंट्री एक तरफ आधे कंट्री एक तरफ आ जाते हैं, ठीक है? अपना अपना पक्ष ले लेते हैं, वो तब वर्ल्ड वॉर बन जाता है। जैसे तीन चार कंट्री एक साइड आ गए, तीन चार कंट्री एक साइड आ गए, और उनके अलायंस जो होते हैं, अलायंस मतलब संगठित मतलब संबंध में जो भी होते हैं वो भी उनके साथ आ जाते हैं, तो वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। उनके बीच जो लड़े होते हैं वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। तो ये पहले हुई किस में? त्रिदेशीय और त्रिगुट में हुई थी। ये देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, हाँ टाइम बचाने के लिए, त्रिदेशीय और त्रिगुट के बीच में हुई थी, वर्सेस लगा दिया। और ये त्रिदेशीय के साइड कौन से थे? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ठीक है? और जो त्रिगुट थे, त्रिगुट इनमें कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, मैं जर्मनी बोल रहा था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया, ऑटोमन एम्पायर, या ऑटोमन एम्पायर मॉडर्न डे टर्की, ठीक है? जो है वो है, मतलब ये पहले बहुत बड़ा एम्पायर था, बेचारा हारने के बाद इसके तो टुकड़े कर दिए, ठीक है? तो जो हारता है वो हमेशा खोता है, ये तो सीधी सी बात है। ऑस्ट्रिया, अभी देखो यूरोप में इतना, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया एक खुद एक कंटिनेंट है, ठीक है? लेकिन ये जो ऑस्ट्रिया, ये एक कंट्री है, ये भी पहले एक एम्पायर हुआ करता था, लेकिन अब ये बहुत छोटी सी कंट्री है यूरोप साइड। क्यों? क्योंकि बेचारे हार गए, अगर जीत जीत जाते हैं तो ये भी बहुत बड़े होते हैं, ठीक है? तो हम देखते क्या हुआ था, इनके बीच लड़ाई हुई थी। ये तेरे देश थे वो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये जीत जाते हैं और ये हार जाते हैं। ये लड़ाई कब से कब तक चली थी? देखो लड़ाई ही है, इसको और ज़्यादा फॉर्मल वे में लिखने के लिए युद्ध बोलते हैं। 28 जुलाई 1914, ठीक है? 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चली थी ये लड़ाई। देखो कितनी, 4 साल तक लड़ाई लगभग चली, लगभग 4 साल तक सिर्फ लड़ रहे बंदे, ठीक है? तब इसमें क्या होता है, ये जीत गए। अब जीतने के बाद क्या होता है, जो जीतता वो ज़्यादा ही खुश हो जाता है, कहता है ये आई एम द किंग। तो फिर इन्होंने इस पे इसका तो टुकड़े टुकड़े कर दिए, इन दोनों का, इन दोनों का, ये तो गए काम से। बचता कौन था? ये जर्मनी, जर्मनी का ज़्यादा बड़ा एम्पायर तो था नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा था। ये पहले ही जो हारता है वो तो अपनी सारी जो भी संपत्ति होगी वगैरह तो लौटा के ही हारेगा, ऐसा तो नहीं सब कुछ बचा हुआ है, कह रहे पावर है और कह रहे हार गया, ऐसा नहीं होता ना। पहले ये मरे हुए हैं, इसके ऊपर से ये क्या कहते हैं, ये पाउंड का निशान होता है, पाउंड, ठीक है? वो जो यूरोप साइड चलती है, 6.6 बिलियन पाउंड, इसको इंग्लिश में 660 करोड़ पाउंड, ठीक है? इंडिया में देख लो वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। इस पर थोप देते, भाई तुम्हारे वॉर किया, हमने इतनी ये चीज़ें गवाई, तो मतलब युद्ध में तो दोनों का नुकसान होता है ना, तो जितना इन्होंने कंपनसेशन के तौर पर इस पर कहा है, इतने रुपये तुम भरो जर्मनी पे। ये जो था ना, देखो ये हार गए वगैरह वगैरह ये सब चल जाता है, यहाँ तक रहता है सब कुछ, तो सब कुछ सही रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन ये बहुत ही सब कुछ को चेंज कर देने वाला सीन था। 6.6 बिलियन पाउंड इस पर थोप दिया, अब ये बंदे दे नहीं सकते। तो अब क्या करते हैं, 9th क्लास में वैसे पढ़ाई होगा, जर्मनी, नाजीवाद एटसेट्रा, है ना? वही है, इसके बाद आता है वो, अब यहाँ पे हिटलर का उदय होता है। हिटलर खुद ही अपने आप में भाई बंदा है महान, वो सबको इस तरह कब्जे में करता है कि दोबारा से खड़ा हो जाते हैं, बहुत ताकतवर बन जाता है दोबारा से। हिटलर की एक अलग सी स्टोरी है, वो 9th क्लास में, ठीक है? पढ़ाई होगा, नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, कभी अगर टाइम मिलेगा तो अपलोड करूँगा 9th क्लास का, तभी समझ लेना। अभी हम बस बैकग्राउंड समझ रहे हो, बैकग्राउंड में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कचरा हो जाता है, ठीक है? जर्मनी अब दोबारा उठ जाता है, खड़ा हो जाता है एकदम अपने पैरों पर, लेकिन ये साइड हो गई है दोनों। अब इसके साथ क्या होता है, ये त्रिगुट वाले दोबारा पकड़े होते हैं, और इसमें इसके साथ कौन कौन सा आ जाते हैं? जर्मनी, इटली, जापान, ठीक है? अभी वो भी लिख रहा हूँ, ज़्यादा क्लियरेंस आ जाएगी, ठीक है? तो इधर देखो, तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्लियर हो गया ना, कैसे इन दोनों के बीच में हुआ, ये जीत गए। जीतने के बाद इन्होंने इतना रुपये, 6.6 बिलियन पाउंड रुपये जर्मनी पर थोप दिए। यहाँ पर हिटलर आया, जर्मनी, ये नाजीवाद वगैरह वगैरह, इन कारण से ये दोबारा जो मैसेकर ऑफ ज्यूस पे, जो यहूदियों को बहुत घुमा घुमा के मारते थे, बहुत बुरा था वो भी, ये सब जो हुआ ये इसका है,
बैकग्राउंड स्टोरी है। अब हम सीधा सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे पहुंचते हैं। ये अभी पहला वर्ल्ड वॉर था, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखो। अरे हाँ, एक चीज़ तो रह गई, ये त्रिदेशी त्रिगुट है, ठीक है। इनको ही अलाइड पावर कहते हैं इंग्लिश में, और इनको कहते हैं कौन सा, सेंट्रल पावर, ठीक है। ये एक बच गया था, इंग्लिश में बता देते हैं बंदे को, हाँ, अलाइड पावर, सेंट्रल पावर। अब वर्ल्ड वॉर टू की ओर चलते हैं। तो इधर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्लियर हो गया, पहला विश्व युद्ध। अब दूसरे विश्व युद्ध चलते हैं। इसमें क्या, जो सेंट्रल पावर थे, आई मीन वो त्रिगुट, ये इनका ही नाम क्या आ गया, धुरी राष्ट्र, ओके। और ये जो थे अपने क्या थे, अलाइड पावर्स, इनका नाम क्या आ गया, त्रिदेश, यानी कि इनका हो गया मित्र राष्ट्र, ठीक है। इसमें वही है, ब्रिटेन, फ्रांस, USSR। ये जो रशिया है, रशिया के आसपास के और जो इसके कंट्रीज है, वो भी पहले इसमें शामिल थे। ये रूस नहीं है, ठीक है। रूस रूस के साथ और भी कंट्रीज है, ठीक है। ये अपने आप में ही ये एक अलग ही टॉपिक है, ठीक है। वो सेकेंड चैप्टर होगा, उसमें आएंगे। अभी हम फर्स्ट चैप्टर पर, धुरी राष्ट्र, जर्मनी, इटली, जापान, ये दोनों। अब इनके बीच चल रही है क्या लड़ाई, लड़ाई कब से कब तक बीच चली, 1939, आई मीन 1939 से लेके 1945 तक ये लड़ाई चली। अब इसमें क्या हुआ, ये बंदे तो ताकतवर है ही, ठीक है। ये भी बंदे ताकतवर है। अभी इतने बंदे, लड़ाई चल रही है, बहुत भयंकर चल रही है, और दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। अभी पता नहीं चल रहा भाई क्या हो जाए, किस समय पे क्या हो जाए। एक और इसमें प्लेयर था, उसका नाम पता है क्या, वही अमेरिका है, USA। ये क्या करते बंदे, वो मिस जो हथियार है, हथियार जो भी मशीन वगैरह जो भी हो, वो हथियार इनको सप्लाई कर रहा है अमेरिका। अभी अमेरिका साइड में है, और यहाँ से है इनको क्या कर रहा है, लड़ने के लिए सामान वगैरह इसको दे रहा है, ठीक है। ये USA यहाँ पे अभी 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 इसमें शामिल नहीं हुआ, लड़ाई में शामिल नहीं हुआ, ये बस हथियार वगैरह इनको शामिल कर रहा है। ये इधर देख रहा, ये जापान कह रहा कि भाई ये USA साइड में क्यों नहीं रहता अपना, इसको हथियार क्यों बेच रहा है, मतलब अगर इसके हथियार अगर ये तोड़ देगा तो ये इसको बेच नहीं पाएगा, जब इसको बेच नहीं पाएगा तो ये कमज़ोर हो जाएंगे, और ये कमज़ोर हो जाएंगे तो ये जीत जाएंगे, हैं। इन्होंने ऐसा सोचा जापान ने। अब लेकिन होता है ऐसा नहीं है, उल्टा हो जाता है। जापान जाता है 9 दिसंबर, 9 दिसंबर का एक ये USA का एक पोर्ट होता है पर्ल हार्बर, ठीक है। वहाँ पे जाके ये हमला कर देता है। अब USA के इसमें बहुत नुकसान होता है, ठीक है। इतना नुकसान होता है, 118 ये कितना कहते हैं, 118 तो वो जो वायुयान होता है वगैरह सब ख़त्म हो जाते हैं, नौसैनिक मारे जाते हैं, और सबमरीन वगैरह सब बर्बाद हो जाती है। इससे आ जाता है USA को गुस्सा। अब ये USA क्या कहता है, 9 दिसंबर को देखो, जापान ने इस पर हमला कब किया, 9 दिसंबर को, अगले दिन 10 दिसंबर को 1941 को USA कह देता है, ये भी युद्ध में आ जाता है, कहता है नहीं अब हम भी लड़ेंगे इनसे, अब हम भी लड़ेंगे। और USA यहाँ से साइड से हट गया, यहाँ आ जाता है USA। देखो ये बंदा लास्ट में आया, ये देखो अभी पहले शुरू से लड़ रहे हैं, इनकी ताकत कमज़ोर हो चुकी है, ठीक है। इन दोनों, ये तो पहले भी थे, पहले भी वॉर में थे, तो इनके पावर और कमज़ोर है ही। ये दो बंदे हैं अभी नए खिलाड़ी। अब ये क्या कहते हैं, लड़ाई चली, चल रही है लड़ाई, ये नया पावर आया, ताकतवर है काफ़ी, चल रही लड़ाई। अब क्या होता है इसमें, 2 मई 1945 को ये जो इटली है हार मान लेता है, कहता भाई हमसे ना हो पाएगा, ठीक है। इटली क्या साइड में, 7 मई 1945 को जापान क्या देता है, हमसे भी ना हो पाएगा ये भी चला जाता है, ये भी साइड में जाता है। फिर बचता कौन है, ये अपना जापान। अब ये जापान पता है क्या कह रहा है, बहुत ढीठ बंदे, कह रहे हैं कि भाई मर जाएंगे लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। USA इधर देख रहा, वैसे जापान हारने वाला था, कुछ लोग कहते हैं जापान अगर ये हारने ही वाला था, लेकिन USA ने अपनी ताकत दिखाने के लिए, और USSR को ये जो इसका पार्टनर है, इसको दिखाने के लिए कि देख भाई मेरे पास बहुत ताकत है, ये जाता है एटमिक बम सुना होगा, गिरा देता है जापान पे। जापान पे कौन कौन से, हिरोशिमा और नागासाकी। अब भाई एटॉमिक बम ऐसा होता है सब खत्म, जापान वहीं पर जापान हाथ खड़े कर देता है, नहीं भाई अब तो हम क्या है, मार ही दिया सबको। और यहाँ से ये भी गया, हिरोशिमा नागासाकी पे भी गिरा दिया, लिटिल बॉय और फैट मैन बम, जापान साइड, USA, ये दोनों पहले साइड हो चुके थे, और ये भी जीत गए, क्योंकि इन्होंने पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था इसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो इनकी भी इकोनॉमी जो पावर थी वो कम हो गई थी, बंदा कितना लड़े तो ये भी चलेगा। अब इसमें बचता कौन है, ये USA और USSR, ठीक है, USA और USSR बचते।
ये बंदा अभी अभी नया नया पावर में आया, इसके पास बहुत पावर है। ये बंदा अपने आसपास के कंट्रीज वगैरह को मिला के बहुत बड़ा पावर बना हुआ है। जैसे एक तरफ एक अकेला बंदा हो और एक तरफ चार बंदे एक साथ हो तो पावर तो आएगी। तो ये भी ऐसे ही है, 15, ये 15 हिस्सों में बढ़ जाता है। वो अभी बताऊँगा ये कोल्ड वॉर के बाद कैसे 15 हिस्सों में बढ़ जाता है। अभी ये दोनों बच गए मेन पावर। अब सीधी सी बात है, अगर दो पावरफुल इंसान होंगे और दोनों में जलन तो होगी, भाई तू कैसे आगे जा रहा है, तू कैसे आगे जा रहा है। तो यहाँ पे और जैसे ताकतवर दोनों हैं, अब डायरेक्ट जाके लड़ाई करोगे तो फिर दोनों को लगेंगी। तो इन सब से बचने के लिए ऐसा अपने आप में अंदर ही अंदर तुझे देख लूँगा, तुझे देख लूँगा ये कर रहे थे, ठीक है। तो यही जो तुझे देख लूँगा, तुझे देख लूँगा कि जो लड़ाई है, मतलब कुछ कर नहीं रहे अभी, डायरेक्ट नहीं मारे, तू हाथ लगा दे, तू हाथ लगा, मतलब ऐसा ही चल रहा है, जाके कोई मार नहीं रहा। और ये जो तू हाथ लगा दे, तू हाथ लगा दे, सिर्फ बातों से जो लड़ाई चलती है, वही लड़ाई क्या है, सीथ युद्ध। इसी को हम नाम क्या देते हैं, सीथ युद्ध। और ये यूएसए और यूएसएसआर के बीच हुई। उम्मीद करता हूँ कि ये जो सीथ युद्ध क्या था वो समझ में आ गया होगा। अब हम मेन फोकस, जो मेन चीज़ें हैं उन पर फोकस करेंगे, और हो सके तो आइडियोलॉजीज वगैरह भी बताऊँगा। पहले इतना तो समझ में आ गया होगा, इतना समझ में गया, बस काफ़ी है आज के लिए, इतना ही। और जब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।